सर सर आप पीसफुल पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। विमल पीछे आ जाओ। लेकिन मैं सरासर ये दुनिया देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, खाली जम्मू कश्मीर को नहीं, दुनिया देश के लोगों को। यहाँ पर इंपीरियलिज्म चल रहा है, तसल्लत हुकूमत है। अगर तसल्लत हुकूमत नहीं तो जबरदस्ती से हमें रोका दिया जाए। अगर यही वर्दी ये लोग पहन रहे तो हमारे में क्या डिफरेंस है। मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमारा जो मसला है वो इमिडिएटली हल किया जाए। जैसे हमें उम्मीद थी कि अब सत्र टूटा है, हमारा काम होगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो 26 जनवरी को हम ब्लैक डैम लाएंगे और हमारे हाथ में काला झंडा होगा, क्योंकि यहाँ की सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है। इसी पर श्वसन पे श्वसन दे, आज होगा कल होगा, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर बेइंसाफी है हमारे साथ। और तो हम इसके बाद हम आगे और ब्लैक डैम लाने वाले हैं और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मैं आल जे एंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एक ही अपील करूंगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने एलजी साहब से। आज हम तभी इधर तक पहुंचे कि एलजी साहब हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। जो बजट सेक्शन चल रहा, आपने 36 डिपार्टमेंटों का बजट में आया, लेकिन होमगार्ड का बजट क्यों नहीं रखा गया? हम उनसे यही अपील करेंगे, जहाँ हमें ड्यूटी का दर्जा दिया जाए, जो ड्यूटी के अंदर स्टेटों को होमगार्ड को सैलरी मिलती है, जहाँ हमें वो दी जाए, जहाँ हमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इक्वल वर्क इक्वल पे वो दिया जाए, हमारी पॉलिसी क्रिएट की जाए, हमारे के लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। जैसे आपने चंडीगढ़ के अंदर 3 साल तक होमगार्ड को बेसिक पे मिलती है, उसके बाद उनको 38,000 मिलती है। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आजाद हिंदुस्तान के अंदर पहली स्टेट है जहाँ पे होमगार्ड गुलाम है। तो हम जो संदेश देना चाहते हैं अपने एलजी साहब से आज, कि सारे होमगार्ड के साथ हम पहले भी मिले हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी फाइल एक एक साल से होम सेक्रेटरी के पास है, आप उनको फोन करिए, उनके साथ मीटिंग करिए, हमारे साथ जस्टिस करिए। अगर नहीं किया जाता तो 26 जनवरी के बाद जो 29 जनवरी को पार्लियामेंट सेक्शन लग रहा है, हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर धरना देंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं है। जो एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम फोर्स है जिनको आपने बुलाए रखा है, हम दिन रात ड्यूटी करते हैं, वर्दी के अंदर शोषण करते हो। अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है, पॉलिसी बंद करो, लोगों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके साथ अत्याचार करना छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत।